खेलने जाता हूँ मुझे तो बहुत डर लगता है। क्यों होली खेलने में क्या डरना, कितना मजा आता है होली खेलने में। लोग पकड़ पकड़ के रंग लगाते हैं, इसलिए आपको डर लगता है। हाँ, I know रंग। यस, वैसे तो कलर से खेलना अच्छा नहीं लगता है फिर। और मुझे तो होली से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कुछ हैक फॉलो करती हूँ। वो हैक्स आपको देखने को मिलेंगे मेरे आज के वीडियो में। वेलकम टू अर्चिशा एंड अर्चित चैनल, और मैं हूँ अर्चिशा। फ्रेंड्स, जैसे आप सबने देखा था कि अर्चित ने मुझसे पूछा था, दीदी आपको होली खेलने से डर नहीं लगता क्योंकि आपके लॉन्ग हेयर्स है, वो डैमेज भी हो सकते हैं। बट मुझे होली खेलने से बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें पता है मेरे हेयर्स डैमेज नहीं होंगे और ना मुझे ऐसी कोई इश्यूज आने वाली होली खेलने से, क्योंकि मैं कुछ हैक फॉलो करती हूँ जिससे मेरी होली फेस होली बन जाती है। आई नो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ गर्ल्स होती हैं, उनके हेयर्स लॉन्ग होते हैं और उनको डर लगता है कलर्स खेलने से कि अगर मैं कलर्स खेलूंगी तो कहीं मेरे हेयर डैमेज ना हो जाए, नेल ना हो जाओ, अगर कलर छूटेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। तो मैं आज आप सबके लिए 7 लाइफ सेविंग होली हैक्स लेकर आई हूँ जिससे आपकी होली सेफ होली बन जाएगी और आपको होली खेलने में बहुत मजा आएगा और कोई डरने की बात नहीं होगी फिर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। औरंग पर से भीगे चुनर वाल। दिस हैक 1 फॉर बहुत गर्ल्स को डर लगता है उनके हेयर डैमेज ना हो जाए, रूखे फूके ना हो जाए कलर्स खेलने से। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप होली खेलने के पहले अपने हेयर में ऑयलिंग कर लेंगे, और ऑयलिंग कर लेंगे किसी भी ऑयल से, कोकोनट ऑयल से या जो ऑयल आप हमेशा रोज यूज करते हो, आप उससे ऑयलिंग कर लोगे अपने बालों में, उसके बाद ब्रेड्स बना लोगे या फिर जूड़ा बना लोगे। तो उससे क्या होगा ना कि आपके बालों में बहुत कम कलर घुसेंगे, जितने आपके बाल खुले होंगे उतने कलर आपके बाल में आएंगे, और जिसकी वजह से फिर जब आप हेयर वॉश करोगे तो मे भी आपके बाल रूखे फूके हो जाए, डैमेजिंग हो जाए और फिर आपको इश्यूज आएंगे। तो इसलिए इश्यूज ना आने के लिए और बाल ना डैमेज होने के लिए उसको ऑयलिंग कर लो और ब्रेड्स और जूड़ा बना लो, या दोनों से आप कुछ भी कर सकते हो। या तो आप एक और आइडिया है कि जो आर्टिफिशियल हेयर्स आते हैं ना, जो विक्स टाइप के आती हैं, आप उसको लगा लो तो आपके बाल उससे बिल्कुल भी डैमेजिंग नहीं होंगे, क्योंकि जब कलर तो आर्टिफिशियल हेयर्स पर जाएगा और फिर आप उसको निकाल सकते हो, आपके हेयर पूरे अच्छे होंगे। तो यस फ्रेंड्स, रेफर द हैक 1। रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग। वो हैक 2, जब हम लोग होली खेलते हैं तो हमारे नेल्स भी गंदे होते हैं, जब मतलब उसमें नेल्स पे कभी कभी कलर्स चिपक जाते हैं और फिर वो छूटते नहीं और फिर वो बहुत ही गंदा लगता है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक हैक है। होली खेलने के पहले आप अपने नेल्स पर डार्क नेल पेंट लगा लो, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लैक नेल पेंट लगा लो। नेल पेंट लगाने के बाद आप उस पर कोकोनट ऑयल से ऐसे रब कर दो तो एक शील्ड क्रिएट हो जाएगी आपके नेल्स पर, और उसके बाद आपके नेल्स में जब भी कलर्स आएंगे तो आपको कोई डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि आप उससे साफ कर सकते हो नेल को, एक बार मारो और नेल्स क्लीन हो जाएंगे। सेम चीज आपको यहाँ भी करने हैं क्योंकि यहाँ भी कलर्स चले जाते हैं, तो इसलिए आप नेल्स के यहाँ भी आप कर सकते हो सेम चीज, जिससे आपके नेल्स गंदे बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो यस फ्रेंड्स, रंग पर से भी। तो फ्रेंड्स, हैक नंबर 3 में आपको कुछ भी नहीं करना है। और जब भी हम होली खेलते हैं तो हम नॉर्मली हाफ स्लीव पहन के चले जाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं और फन के नीचे खेलते हैं, आई नो दैट। बट उससे क्या होता है, फिर हमारे स्किन पर ज़्यादा से ज़्यादा कलर लगता है, उसके बाद हमें उसको छुटाना पड़ता है नहाते समय। सो अगर आपको उससे बचना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने फुल स्लीव पहनी हुई है, आप वैसे फुल स्लीव क्लॉथ पहन सकते हो जिससे आपके स्किन पर कम से कम कलर लगेगा और फिर उसको इतना दिक्कत भी नहीं होगा छुटाने में। जब बहुत ज़्यादा कलर लग जाता है तब दिक्कत होती है, बट थोड़े कलर से कुछ नहीं होता। तो आप ट्राई करो कि आप हाफ लाइक फुल स्लीव टी शर्ट पहनो और हाफ स्लीव टी शर्ट को अवॉइड करो। रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर। नंबर 4, ये कोई भी यूज कर सकता है, गर्ल्स या बॉयज, क्योंकि सबको एक्चुअली डर लगता है कि कलर्स खेलने से कहीं उनके स्किन डैमेज ना हो जाए।
तो आई थिंक ये सबको सबको डर होता है, मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि मेरी स्किन कहीं डैमेज ना हो जाए। बट उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप होली खेलने के पहले मॉइस्चराइजर लगा सकते हो अपने चेहरे पर, कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हो या जो जो आपको अच्छा लगता है आप उसको अपने फेस पर लगा लोगे तो आप तो उससे आपका फेस लाइक उसमें ज़्यादा कलर चिपकेगा नहीं आपके फेस पर, तो इसलिए आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। और फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप कोई भी ऑयल अपने चेहरे पर लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल, और इससे आप सेम मतलब मॉइस्चराइजर का काम वो भी करेगा तो आपके कलर चिपकेंगे नहीं आपके चेहरे पर और बहुत जल्दी छूट जाएंगे। तो ये था हमारा फोर्थ हैक। होली खेलने के पहले हम इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या लगाना है कैसे लगाना है, तो कभी कभी हम मॉइस्चराइजर लगाना स्किप कर जाते हैं और हम जल्दी से बाहर जाके सिर्फ और सिर्फ होली खेलने लगते हैं। उसके बाद आप जब घर आते हो और बाथ लेते हो तो आपकी स्किन क्लियर नहीं होती है, आप उससे कलर नहीं छूटते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आप उसको रगड़ना मत। बहुत ऐसे तो नहीं होता कि जैसे कलर छूटनी तो रगड़ देते कि आप पता छूट जाए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, नहीं तो क्या होगा कि उस पार्ट पर आपका चेहरा लाल होने लगेगा, रैशेस पड़ने लगेंगे चेहरे पर, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको चिंता नहीं करना है। आप बस जाकर नहाने के बाद ज़्यादा रगड़ना मत स्किन को और मॉइस्चराइजर लगा लेना, मॉइस्चराइजर लगा लेना या फिर ऑयल लगा लेना जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, हाँ अगर आपके पास प्लांट एलोवेरा जेल का तो आप उससे लेकर यूज कर सकते हो, जो मार्केट में आता है आप उसको भी यूज कर सकते हो, तो इससे जिससे आपका फिर कलर बहुत ही आराम से निकल जाएगा और आपको रगड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर द फिफ्थ हैक, ये हैक बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, एक्चुअली हैक नहीं है ये, हमें करना हमेशा चाहिए। जब हम होली खेलने जाते हैं बहुत सारे लोगों से सराउंडेड होते हैं, हम खेलते हैं एक दूसरे के साथ होली और मजा करते हैं, बट हम उस समय अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं। बॉडी का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ खाओ और आप 5 मिनट पर आप कुछ फूड लेते रहो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक पानी की बॉटल कंटेन करो अपने साथ और आपको जब भी प्यास अगर आपको लगे ना, क्योंकि फन रहता है धूप निकली रहती है तो उसमें आपको हाइड्रेट रखना अपने आपको बहुत ज़रूरी होता है, तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। जब भी आपको लगे कि प्यास लगी है आप तुरंत जाकर पानी पी लो, नहीं तो होता है ना कि कभी कभी प्यास के आप पानी नहीं पीते आप गला सूखता रहता है और आप बेहोश भी हो सकते हो, तो इससे आप तब आप होली को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको होली को एंजॉय करना है तो आप पानी पीते रहो जब भी आपको लगे कि आपको प्यास लगी और आप इससे फ्रेश भी फील करोगे। तो यस फ्रेंड्स, दिस वाज द सिक्स्थ हैक। नंबर 7 एंड द लास्ट हैक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैक कि आप केमिकल फ्री कलर्स का इस्तेमाल करना, और केमिकल कलर्स का मीन जो कलर हो जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हो उसको आप अवॉइड करना, क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं एंड मे बी वो आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं, एंड तो इसलिए उसको अवॉइड करके आप ऑर्गेनिक कलर्स पर ज़्यादा ध्यान देना, तो इससे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि होली खेलते हुए कलर मुंह में चले गए या आईज में चले जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कलर से उतनी दिक्कत नहीं होगी जाने पर जितना केमिकल कलर से होगी जाने पर, तो आपके आईज के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं, तो इसलिए केमिकल कलर को अवॉइड करके ऑर्गेनिक कलर खेलना। ओके सो फ्रेंड्स, दीज वर द 7 लाइफ सेविंग टिप्स फॉर होली, जिससे आपकी होली एक सेफ होली बन जाएगी और इन हैक्स को देखने के बाद होली खेलने से आपको कभी डर नहीं लगेगा। ओके एंड यस गाइस, लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूँगी, ये टिप है कि आप वाइट कलर वाइट पहन कर खेलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो सीरियसली बहुत पसंद है वाइट कुर्ती या कुछ भी वाइट पहन कर खेलना, तो फिर कलर अच्छे भी लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करके मुझे बताना कि वाइट कलर
की रेफरेंस पे आएंगे किसको होली खेलना जा सबसे ज्यादा पसंद है. ओके गाइस, सो हैव अ वेरी हैप्पी होली, एंजॉय योर होली विद केमिकल फ्री कलर्स एंड यूज ऑल द ऑर्गेनिक कलर. ओके बाय बाय, लव यू ऑल.